मुस्कुराने से नहीं चलेगा। बिहार के लोगों पे गोलियां चल रही है, मुख्यमंत्री मुस्कुराएंगे तो ये नहीं चलने वाला है कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली ही इसके लिए पूरी दोषी है और कोई दोषी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर जिस तरह से कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया था, जिसके बाद बिहार की सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है। ऐसे में आपको बता दें कि इसी को लेकर जब आज हमने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन से बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। मुख्यमंत्री जी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य की आम जनता पर गोली चलता है और उसको वो जात के आईने से देखते हैं, तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले 16-17 वर्षों का सबसे शर्मनाक बयान है। और मुझे लगता है कि अब तक बिहार की राजनीति को 2005 के बाद 2006 में जब से हम लोगों ने जातीय राजनीति से निकाल कर विकास की राजनीति में लाया था और नीतीश कुमार को उस विकास का परिचायक बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार आज फिर से जैसा संगत वैसा रंगत के नारे के साथ फिर से उन्हीं लोग के साथ जो गए हैं और फिर से वही जातीय दलदल में इस बिहार को ठेलने के लगे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी को राजनीति की दृष्टि से ये उनका सबसे शर्मनाक बयान है और एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है कि जब गोलियां चल रही हैं तो वो देख के नहीं जाती कि किसके शरीर पर लगेंगी। वो आम जनता था, वो चाहे किसी भी कौम का हो, निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराहट दिखा रही थी कि उनको इसकी चिंता नहीं थी कि गोलियां चली हैं बिहार की आम जनता पर, उन्होंने इस पर केवल राजनीति करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे साजिश है। मैं तो मुख्यमंत्री जी अगर सवाल खड़ा है तो मुख्यमंत्री तो सबसे गृह मंत्री भी है ना, हिम्मत है तो जाँच करे ना, किसने जाँच से रोका है मुख्यमंत्री जी को? और साजिश कहेंगे मुख्यमंत्री जी तो जाँच कौन करेगा? बाहर का आदमी आकर, बिहार के बाहर के आदमी आके जांच करेंगे? मुख्यमंत्री वो है, विपक्ष का नेता तो जांच नहीं करेगा, मुख्यमंत्री ये गृह मंत्री बने हुए हैं तो जांच तो उनको करना है, तो साजिश की बात कौन कर रहा है? और साजिश है तो सामने लाना चाहिए, मुस्कुराने से नहीं चलेगा। बिहार के लोगों पे गोलियां चल रही है, मुख्यमंत्री मुस्कुराएंगे तो ये नहीं चलने वाला है। तो वही तो कि 24 घंटे पहले तो ये तय नहीं था कि 2 अपराधी हैं कि 4 अपराधी हैं। उन छोटे मोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके केवल खानापूर्ति करना चाह रहे हैं, लेकिन जो सही है कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली ही इसके लिए पूरी दोषी है और कोई दोषी नहीं है। अधिकारी और पदाधिकारी तो बात की बात है, जब सेवक ही मुस्कुरा कर, जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो ऐसी घटनाओं पर मुस्कुरा कर जवाब दे रहा है, इससे दिख रहा है कि पूरे सरकार की कार्यशैली कैसी है। जेडीयू के मंत्री कह रहे हैं कि ऐसी घटना, अब जेडीयू के अमेरिका जैसी घटनाओं को यहाँ से दे रहे हैं तो अमेरिका में इस ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है और आज बिहार में ऐसी घटना पहली बार घटी है और मुख्यमंत्री जी इस पर जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं वो दिख रहा है कि शासन प्रशासन का इकबाल खत्म है और मुख्यमंत्री जी की राज्य के प्रति जवाबदेही समाप्त हो गई है। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बेगूसराय गोलीकांड के दोषी हैं और उनके ही द्वारा ऐसी फायरिंग करवाई गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बीजेपी नेता नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है तो ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।